एवरीवन, वेलकम इन्वेस्टर्स। माय नेम इज दिनेश एंड यू आर वाचिंग मिस्टर कश्यप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए बैंकिंग से जुड़ी वो सारी की सारी तमाम बड़ी अपडेट्स लेकर के आते रहते हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों से कनेक्टेड होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम ऐसे ही एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब दोस्तों, बैंक मर्जर के बाद में देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है पंजाब नेशनल बैंक। अब दोस्तों, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर भी काफी सारे चेंजेस आए हैं। पहले पब्लिक प्रोविडेंट फंड के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करते थे वो डिफरेंट हुआ करते थे, और अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़े से डिफरेंट है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओबीसी के कस्टमर्स के बारे में भी, जो ओबीसी के कस्टमर हैं उनका अब किस तरीके से आगे का पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट चलेगा, क्या पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर चेंज जाएगा और किस तरीके से वो अब अपने पैसे को डिपॉजिट करा पाएंगे। साथ में हम यूबीआई कस्टमर के बात भी करेंगे क्योंकि ये दो बैंक आकर के पंजाब नेशनल बैंक के अंदर मर्ज हो गया। उम्मीद मैं करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पे मिल सके। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। अगर बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी की, आपके मन में एक सवाल जरूर से आया होगा कि कौन लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले जो इंडिविजुअल हैं, इंडियन हैं, वो इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। एनआरआई इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते, एचयूएफ इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। साथ के साथ में मैं आपको बता देता हूं कि इस सर्विस के अंदर यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर कोई भी ज्वाइंट अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर बात करें अगले पॉइंट की तो वो निकल के आता है डिपॉजिट अमाउंट। कई बार लोगों का ना मिसकंसेप्शन होता है कि कितना पैसा हमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हमें जमा कराना है, कितने पैसे हम जमा करा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं तो मिनिमम पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर आप 500 रुपए जमा करा सकते हैं। 500 रुपए के अलावा मैक्सिमम की अगर बात करी जाए तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं। 1,50,000 रुपए के ऊपर अगर आप पैसा जमा कराते तो उसके ऊपर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे कई ऐसे बैंक हैं जो 1,000 रुपए से भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के अंदर फिलहाल के लिए आप 500 रुपए से पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं यहाँ पे टर्म के बारे में, यानी कि ड्यूरेशन कितनी है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट की। एक मिसकंसेप्शन यहाँ पे हमेशा बना हुआ है कि इसका ये कितने सालों के लिए होगा, कितने सालों के लिए हम यहाँ पे जमा करा सकते हैं, क्या हम ये करेंगे वो करेंगे वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं है। ये लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है, 15 साल कम से कम आपको अपने पैसे को रखना होगा, और अगर 15 साल के बाद अगर आप चाहें तो अपने पैसे को यानी एक्सटेंड कर सकते हैं 5 और सालों के लिए। 15 से 20 साल में जा सकते हैं, 20 से 25 में जा सकते हैं, 25 से 30 साल के अंदर भी बड़े आराम से आप जा सकते हैं, यानी कि उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो आपको ये पता चल गया है कि 15 साल की ड्यूरेशन है, कम से कम इससे कम पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट आप नहीं खोल सकते। 15 साल के लिए कम से कम आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा, आप चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक की बात करें या देश के किसी भी दूसरे बड़े बैंक की बात करी जाए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे विड्रॉल और लोन की। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि विड्रॉल तो इसके अंदर हो जाता है, लेकिन उसके अंदर आपको 3 साल का वेट करना होता है, यानी 3rd फाइनेंशियल ईयर से लेकर के 6th फाइनेंशियल ईयर तक आप यहाँ से पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ मेडिकल इमरजेंसी या फिर कोई शादी ब्याह ऐसे केस के अंदर ही जो कि आपको प्रूफ करना होगा तभी आप अपने पैसे को निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप अपने पैसे को यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। साथ के साथ में अगर लोन की बात करी जाए तो 90% ओडी पे यहाँ पे आपको आपके पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के ऊपर एक लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि सबसे अच्छी बात है। तो जब कभी भी आपको लोन की जरूरत हो तो डेफिनेटली आप इस स्कीम के ऊपर लोन भी ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे अकाउंट ट्रांसफर के बारे में। जब कभी भी जॉब के चलते, बिजनेस के चलते एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आप आते हैं तो आपको अपना बैंक चेंज करना पड़ता है, तो उसी की फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अकाउंट ट्रांसफर की फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। एक जगह से अगर दूसरी जगह जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वहां पे आप अपने अकाउंट को भी बहुत ही आसानी से ट्रांसफर कर पाएंगे, जो कि सबसे अच्छी बात है। वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं परमानेंट क्लोजिंग की। दोस्तों, कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं, कई ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो ये मुझसे पूछते हैं कि सर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड को क्या परमानेंटली क्लोज किया जा सकता है? जी हाँ, परमानेंटली क्लोज किया जा सकता है, लेकिन वैलिड रीजन आपको देना होगा। 7th फाइनेंशियल ईयर के बाद तक आप लोन ले सकते हैं, लेकिन 5th फाइनेंशियल ईयर के बाद में आप इसको प्रीमैच्योर क्लोजर भी करा सकते हैं।
यानी कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि 5 साल तक तो आप इस पैसे को हाथ नहीं लगा सकते। 5 साल के बाद अगर आप चाहें तो इसको प्री मेच्योर क्लोजर भी करा सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो वो आता है दोस्तों टैक्स बेनिफिट। कई मेरे बंधु इस तरीके से सोचते हैं कि मेरे को टैक्स बेनिफिट भी चाहिए तो क्या पब्लिक प्रोविडेंट फंड मेरे को टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करा पाएगा। जी हाँ दोस्तों, अंडर सेक्शन 80C के तहत में आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। दोस्तों इसी अकाउंट के ऊपर आप नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी ले सकते हैं, यानी अगर आप कंसर्न है कि अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन में 15 साल के ड्यूरेशन में, तो आपके पैसे का क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि नॉमिनेशन की फैसिलिटी आप यहाँ पे दे सकते हैं, किसी को नॉमिनी बना सकते हैं, सो दैट आपके पैसे को वो क्लेम कर सकते हैं आपके बाद। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल निकल के आता है कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा मुझे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हर 3 महीने के अंदर चेंज होता रहता है। एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराएगी उतना ही मिलेगा और हर क्वार्टर के अंदर ये चेंज होता रहता है। फिलहाल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको बता देता हूँ 7% से लेकर के 8% के बीच में रहता है, और अभी के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी जाए तो 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि अगर आप 7.1% के हिसाब से अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर, तो 15 साल के अंदर जो भी आप पैसा जमा कराते हैं, आप चाहे वो 500 रुपए महीना है, 1000 रुपए महीना है, 10000 रुपए महीना है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन दोस्तों 12500 रुपए उससे ऊपर आप अपने पैसे को जमा नहीं करा सकते। उसका रीजन ये है कि वो 1,50,000 रुपए एक्सीड हो जाएगा, और उसको एक्सीड करने के बाद में आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ऊपर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो सारी की सारी चीजें हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो भी आपको पसंद आया, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पर मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।